इंडियन रेलवेज को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। कितनी ट्रेन्स, कितनी टाइम पर पहुंचना और कितनी जनता इन ट्रेन से ट्रेवल करती है, इसके आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ है। लेकिन कई बार हमारा ये इंडियन रेलवे सिस्टम, जिसे कई लोगों ने मिलकर बनाया है, उसे एक छोटा सा चूहा भी खराब कर देता है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ 4 दिसंबर को सप्त क्रांति एक्सप्रेस के साथ, जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली आ रही थी। सुबह के 3 बजे थे, शाहजहांपुर के बंथरा में ट्रेन पहुंची ही थी कि तभी अचानक से ट्रेन की B1 कोच, जो कि 3rd AC कोच था, उसके अंदर से फायर अलार्म बजा। इस अलार्म की आवाज सुनकर हर कोई डर गया। जितने भी पैसेंजर्स उस डब्बे में थे, सभी नीचे उतर गए डर के, और लोको पायलट भी अटेंटिव हुआ और उसने स्टेशन पर मौजूद टीम को ये संदेश पहुंचाया कि ट्रेन के डिब्बे में फायर अलार्म बजा है, क्या डिब्बे में आग लग गई है। सभी लोग बाहर खड़े हुए ये देखते रहे कि डिब्बे में आग लगी है क्या, और आखिर ये अलार्म बजाया किसने। पूरी रेलवे की टीम आई चेक करने के लिए, डिब्बे में गए, पूरा डब्बा चेक किया, आग नहीं लगी थी। अब सवाल ये था कि आग नहीं तो फिर ये फायर अलार्म किसने बजाया? किसी बच्चे की हरकत है, किसी से गलती से बजा कि क्या हुआ? जब चेक किया तो पता चला कि ये फायर अलार्म एक चूहे की वजह से बजा था, और वो चूहा उसके बाद मर भी गया। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट के कारण ट्रेन 1 घंटा लेट हुई। कई लोग थे जो स्टेशन पर उतरे थे, वो स्टेशन पर ही छूट गए और पूरे डब्बे में चूहे की बदबू भी फैल गई। तो इस तरीके से ये जो बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये कई बार छोटे चूहों के कारण भी अटक सा जाता है।